पहले भी आह्वान किया ना हनुमान चालीसा गा के, तभी इंटीमेशन गया उनको, पर वो उपस्थित होते तब जब श्री राम का नाम आता है। ऐसे गाँव में हमारे इधर अभी भी प्रथा है कि जब राम कथा बोलते हैं, राम जी का नाम लेते, तो एक एक आसन रिक्त छोड़ते हैं, खाली छोड़ते हैं कि उधर हनुमान जी आके बैठने वाले। जब जब उनका श्री राम का नाम लेते हैं, वो ऐसा भक्त है, ऐसा भगवान है कि वो आके उपस्थित हो जाता है उधर, उनके स्वामी के बारे में, गुरु के बारे में सुनने को, जबकि वो सब जानते हैं ना। और हमें भी वो हनुमान उपस्थित है ना, कहीं ना कहीं वी नो अबाउट गुरुदेव, बट स्टिल वी वॉन्ट टू कीप टॉकिंग सेम थिंग अबाउट हिम। ये सर नो चिरंजीवी है ना हनुमान बोलते, आठ चिरंजीव ना, सप्त चिरंजीव में एक और भी एक है, तो उनमें एक हनुमान जी है। तो चिरंजीव क्यों हैं? तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, बोलते यावत राम कथा वीर चरिष्यति महितले, क्या यावत राम कथा वीर चरिष्यति महितले तावत शरीरे वत्संतु माम प्राणा न संशया, कि जब जब श्री राम का नाम लेंगे, श्री राम कथा जहाँ जहाँ बोली जाएगी, मैं उस जगह शरीर भाव में उपस्थित हूँ। तो ये पृथ्वी तल पर जब जब श्री राम का नाम होगा, राम नाम होगा, उनकी कथा बोली जाएगी, वो वहाँ उपस्थित होंगे शरीर भाव में। और वो भी उन्होंने राम श्री राम से ये वर मांगा है कि ये दो मुझे, फिर श्री राम कहते हैं ये हो जाएगा। ऐसे जब जब श्री राम का नाम होगा, वर्णन होगा, कथा होगी, वो वहाँ उपस्थित होंगे। इसलिए श्री राम के ये अत्युच्च स्थान पर बैठे हुए भक्त है जो भगवान भी है हनुमंत। बुरे सपने आते हैं रात में, तो उनमें पांच लोगों का नाम लेते, उनमें हनुमान का भी है। रामम स्कंद हनुमंतम वैनतेय वृकोद्र शयने स्मरणे नित्यम दुस्वप्न तस्य नश्यति। हनुमान जी बल, सिर्फ बल नहीं है, लोगों को सिर्फ हनुमान जी क्या लगते हैं, बल है, वीर भी है, बुद्धि भी है उनमें। हनुमान जी जन्म से ही पराक्रमी है, सूर्य को निगलने चले थे वो, सृष्टि इम्बैलेंस हो जाती तो वज्र का प्रहार हो गया, फिर सबको पता ही है ना ये स्टोरी, अलग अलग स्टोरी अलग अलग प्रांत में होती है, स्टोरी में नहीं फंसना चाहिए, उसके पीछे का मतितार्थ देखना चाहिए। तो वायु देवता स्थिर हो गए, तो क्या सृष्टि इम्बैलेंस हो गया पूरा। तो सभी देवताओं ने, देवियों ने वरदान दिया है हनुमान जी को, छोटे आयु में ही जन्मता वरदान लेके आए हैं सबसे, मतलब सभी देवी देवताओं का शक्ति कोई एक स्थान में है तो वो हनुमान। अब अनुमान लगाओ हनुमान का, फिर भी समझेगा नहीं, सभी देवी देवताओं का बल है उनमें। यम ने कहा मृत्यु से पीड़ित नहीं होंगे चिरंजीव, कुबेर ने निधिया सब ओपन कर दी उनके लिए। एक हनुमान चालीसा में लाइन है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, वो निधिया सब, मतलब खर्व से लेकर पद्म महापद्म तक सब उनके वशीकरण है, वो हनुमान। अष्ट सिद्धि जिनको प्राप्त है वो हनुमान। सूर्य ने कहा मैं ज्ञान दूंगा विश्व का, सूर्य से ज्ञान प्राप्त करने निकले थे हनुमान जी, जिनको निगलने चले थे उन्हीं से ज्ञान प्राप्त कर रहे, मतलब ज्ञान ही निगलने वाले थे वो एक्चुअली। तो सूर्य का रथ दिन रात चलता है, वो रुकता नहीं है, सूर्य की गति इतनी थी कि हनुमान जी को वो गति के साथ रहना पड़ा। सब सिद्धि निधि देने के लिए फिर बोलते चार बचे, और चार उन्हीं को मिलती है जो विवाहित है, अविवाहितों को पूर्ण नहीं मिलता, ऐसे मान्यता है, गुरु कृपा से सब संभव हो जाता है, डोंट वरी। फिर ऐसे बोलते हैं कि सूर्य ने अपने पुत्री के साथ हनुमान जी का विवाह कराया, और वो विवाह क्या था, वो हमारा ऐसे शादी नहीं है, शादी और विवाह में फ़र्क है, वो कराया। फिर वो विवाह करके वो शलाका तृप्त हो गई, विलीन हो गए सूर्य में, और हनुमान को बाकी के चार वो सिद्धियाँ या निधियाँ मिल गई। एक अलग रूप से विवाहित होकर भी ब्रह्मचर्य गया नहीं उनका। ब्रह्मचर्य का मतलब है जो ब्रह्म तत्व में आचरण करता है वो ब्रह्मचारी। द वन हु मूव्स इनटू इन्फिनिटी इज कॉल्ड ब्रह्मचारी। ब्रह्म इज इन्फिनाइट, आचारी माने वो ब्रह्म तत्व में जो स्थित और स्थिर रह के जिसका आचरण है वो ब्रह्मचारी। शक्ति, युक्ति, भक्ति और मुक्ति का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हनुमान। पर हनुमान जी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करने से पहले राम जी पे आते थोड़ा, क्योंकि नहीं तो फिर वो चले जाएंगे
तो बीच बीच में श्री राम की बात करना अनिवार्य है कि नहीं। इतना बलशाली पराक्रमी महावीर विक्रम बजरंगी बोलते हैं, या वो श्री राम के भक्त थे, मतलब श्री राम हमारे कल्पना के परे है। तो एक बार स्टोरी सुनो, राम श्री राम और हनुमान जी, ये ऐसा एक संबंध है जो स्वामी और दास का कैसे होता है, आजकल डे टू डे टर्मिनोलॉजी में बोलना है तो मेंटी और मेंटोर का कैसे होना चाहिए, गुरु शिष्य का कैसे होना चाहिए, भक्त और भगवान का कैसे होना चाहिए। सेवक को अक्सर लगता है कि वो सेवा कर रहा है, पर सेवा की संधि देना भी स्वामी का कार्य है। तो एक बार हुआ ऐसे कि हनुमान जी हमेशा राम जी के साथ रहते थे, तो उनके आसपास के लोगों में क्या हो गया, देखो अनुभवी बोल रहे हैं, सब जलन होने लगती है, भला मुझसे आगे कैसे गए, ये हमेशा राम जी के साथ कैसे रहते ना, तो ये जलन हो गया अंदर। राम जी जानते थे उन्हीं की लीला है ये सब, इसलिए तो रामलीला बोलते हैं ना, तो जानते थे। तो ये सब लोगों ने मिलके प्लान बनाया कि हनुमान जी को साइड ट्रैक करते, जो भी कार्य है जिम्मेदारियां आपस में बांट लेते, पर इनको कुछ नहीं देंगे तो कार्य नहीं बचा, तो प्रभु के साथ क्या जरूरत है उनकी। तो कोई वस्त्र की जिम्मेदारी लेता है, कोई भोजन की जिम्मेदारी लेता है, कोई सारथ्य का जिम्मेदारी, ऐसे अलग अलग जिम्मेदारियां बांट लेते हैं और हनुमान जी को कुछ नहीं रहता। तो हनुमान जी को पता चलते ये बात, देखो युक्ति वाले है वो, जहां लोग समझते बल है वहां युक्ति नहीं, ये दोनों रखते हैं, शक्ति तो है ही। तो हनुमान जी बोलते, अरे भाई सभी आपने बांट लिया, मुझे कुछ तो दो। इधर भी मांग रहे हैं जबकि उनका हक है, पर मांग रहे, इधर मांग रहे मतलब क्या, सेवक का हक नहीं बनता कुछ मांगे, एम्प्लॉय कैन डिमांड, डिवोटी कैन नॉट, जो मिले वो प्रसाद। तो मांगे कुछ तो कार्य दीजिए मुझे, तो हनुमान जी को कार्य देते, जब भी श्री राम को यौन आए, उबासी आए, आप इस तरह से चुटकी बजाना उधर। अब ये देखा गया तो श्री राम को उबासी क्यों आएगी, तमस रजस से भरे थे वो, नहीं क्यों आएगी उबासी, श्री राम है वो, तेज है वो। पर हनुमान जी युक्ति लगाते, बोलते देखो भोजन का ना एक समय होता है, वस्त्र परिधान करने का समय होता है, बाहर जाने का, दरबार में जाने का, राजवाड़े में जाने का समय, हर चीज़ का समय के अनुसार चलता है, पर यौन समय से आती है क्या, वो कभी भी आ सकती है, इसलिए मुझे हमेशा उनके साथ रहना होगा। और इसके आगे एक स्टेप लेकर हनुमान जी क्या करते हैं, राम जहाँ पर भी बैठे चले उनके पीछे हाथ ऐसे करके चलते रहते हैं, बैठे रहते, खड़े रहते, कि श्री राम को आए उबासी और मैं चुटकी बजाओ। तो फांसा उल्टा पड़ गया, अभी सबसे निकट और ज़्यादा पास कौन रहने लग गए, श्री हनुमान रहने लग गए। तो सबको बात चलती है, रामलीला देखो यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। फिर एक बार रात को श्री राम अपने शयन कक्ष में जाने से पहले हनुमान जी को बोलते, आप अभी अपने स्थान प्रस्थान कीजिए, अभी सोने का समय, सीता माँ भी रिक्वेस्ट करती है हनुमान जी से कि अब स्वामी को छोड़िए आप ना। तो वो हनुमान जी जाते हैं, पर उनके मन में सतत ये चल रहा है कि मेरा काम है मेरे स्वामी को आराम देना। तो वो क्या करते हैं, अपने कक्ष में जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद यहाँ सीता माँ लक्ष्मण देखते हैं श्री राम उबासी दे रहे बार बार, 1, 2, 10, 12 कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप उबासी आ रही है, नॉन स्टॉप यौन हो रहा है। और एक क्षण ऐसे आता है कि जब श्री राम का मुँह खुला ही रहता है, बंद ही नहीं होता। सब परेशान होते हैं, क्या हो गया, कौन सा उपप्राण इम्बैलेंस हो गया कि यौन हो रहा है, उपप्राण कनेक्टेड है ना हमारे यौनिंग से, आईलिड खोलने बंद करने से, तो क्या हो गया। पर राम जी अपना मुंह बंद ही नहीं करते, खुला का खुला है। तब जाके सबके समझ में आता है कि गड़बड़ क्या हो गया, भाग के सब हनुमान जी के कक्ष में, रूम में जाके देखते तो हनुमान जी वहाँ बैठे बैठे चुटकियाँ बजाते रहते कि क्या पता मुझे दूर किया है शारीरिक स्तर पे, उधर मेरे राम को उबासी आती रहेगी तो मेरा धर्म नहीं छूटे, मेरा कर्म नहीं चूके। अभी शुरू हुआ था राम के उबासी पर हनुमान चुटकी देना, पर श्री राम का स्वामित्व देखो, अभी भक्त की चुटकी पर भगवान उबासी दे रहे हैं। सो हु इज सर्विंग होम, कि वो मेरा भक्त उधर बैठ के मुझे उबासी आई ये सोच के चुटकी बजा रहा है, अभी मेरे उबासी पे वो चुटकी नहीं देगा, उसके चुटकी पे मुझे उबासी देनी है। ये स्वामी होता है, ये श्री राम है, और ऐसे श्री राम का ऐसे हनुमान भक्त है, सखा है, सलाहकार है, सब है, प्रचंड पराक्रमी। वो लाइन है देखो, उसमें वो सब पता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यार भूत पिशाच वाला मन बुद्धि भी आपके, मल बुद्धि भी आपके आसपास नहीं आएगा, कोई ग्रहों का असर नहीं पड़ा है हनुमान पर। शनि को बुरा समझते, बुरे नहीं है वो, वैराग्य लाते, न्याय करते हैं शनि, पर ऐसे शनि की पीड़ा भी हनुमान जी को हुई नहीं,
उन पे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि हृदय और सर दोनों राम में लीन है, विलीन है। कण कण में भगवान है, स्वामी है, गुरु है, कोई दूसरे अन्य व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु को जीवन में स्थान ही नहीं है। देखो क्या भक्ति होगा, नहीं ऐसा भक्ति चाहिए हमारा, हम ऐसे हनुमान बन के जी हम अपने गुरु के, अपने राम के। कोई अंतर नहीं है तुझ में और मुझ में, वो श्वास को भी आने नहीं देना बीच में। युक्ति तो बहुत लगाए वो, और अष्ट सिद्धि था ना उनको, क्या होता है अष्ट सिद्धि, अणिमा, अणिमा क्या बोलते हैं, अणु जितना हो सकते हो, अणु इतना अपने आप को उस स्तर पे लेके जा काम कर सकते हो, मतलब वहां तक का अणु का भी जो ज्ञान रखता है वो अणिमा सिद्धि प्राप्त है उनको। महिमा, महिमा अणिमा के एग्जैक्टली अपोजिट है। महिमा माने विस्तृत अवस्था, बिगर देन द बिगेस्ट, उतना भी अपने आप को बड़ा बना सकते, उतना बड़ा कार्य भी कर सकते, उतने बड़े ब्रह्मांड का ज्ञान भी रख सकते, कार्य भी कर सकते वो। हनुमान स्तोत्र में एक मराठी में एक लाइन है, अणु पासुनी ब्रह्मांड एवड़ा होत जात से, कि अणु से लेकर ब्रह्मांड जितना जो जिसका व्याप्त है, जिसका कार्य है वो हनुमान। लघिमा, लघिमा माने जो लाइट है, जड़ चेतना नहीं है, जो एकदम लाइट हार्टेड है, लाइट प्रेजेंस है जिसका, जिसके सानिध्य में आके हमारा चिंता का जड़त्व, नकारात्मक का जड़त्व चला जाए, वो लघिमा प्रेजेंस उनका इतना हल्का है। फिर गरिमा, गरिमा माने अपने आप को रॉक सॉलिड बनाना, हेवी बनाना। भीम का गर्वहरण किया कि नहीं, महाबली भीम तो महाबली थे कि नहीं, गुस्सा आने पर रथ उठा के चूरा करने वाले व्यक्ति भीम, उनसे हनुमान जी की पूछ नहीं उठाई गई, ये गरिमा, ये उनकी गरिमा भी है और गरिमा भी है। गर्व हमको जमीन से उठाकर तहस नहस करता है, उसी को जमीन पर लाया गरिमा का सिद्धि दिखाकर। प्राप्ति, सभी चीजों का प्राप्ति था उनको, एनी टाइम एनी वेयर कार्य सिद्धि। हनुमान जी को देखो, जितने यंगस्टर्स है, लोग है यहाँ जो कार्य में है, वो हनुमान जी का प्राप्ति देखकर हमको सीखना चाहिए। संजीवनी लेने जब गए हनुमान जी, संजीवनी इतने सारे वनस्पति, और संजीवनी एक नहीं थे, हम क्या समझते एक ही है, चार अलग अलग वनस्पति थे। वो चोट लगने पर जख्म जल्दी भर जाए, त्वचा पूर्ववत हो जाए, ये दो। फिर इम्यूनिटी बढ़ाए, ये और जीवन दान दे, ऐसी वनस्पति, ये चार वनस्पति लाना था। समझा नहीं क्या क्या है, इतनी सारी चीजें है, क्या किया उन्होंने, खाली हाथ वापस आए, भगवान हुआ नहीं, समझा नहीं मुझे क्या है, ऐसे नहीं आए वो, रिक्त हाथ नहीं आए वो। अरे पर्वत, वो वनस्पति बोला है पर्वत उठा के लाया, अभी तुम चूज करो तुमको क्या चाहिए। प्राप्ति, अपने हाथ में लिया हुआ कार्य पूर्ण करने की जो क्षमता रखता है वो हनुमान तत्व है। उधर कंप्लेन क्रिबिंग नहीं है, आने जाने के मार्ग पर कहीं सिरे राक्षस है, राक्षसी है, भय नहीं है, इनफैक्ट भय चला जाए और अभय मिले वो हनुमान। 900,000 साल पहले ये प्रजाति उगी गई, कपी, हम बंदर समझते हैं उनको, उनका IQ देखते हैं तो ह्यूमन से ज्यादा IQ हुआ करता था, उनका बुद्धि ज्यादा तेज थी मानवों से, वो पंडित हनुमान जी। प्राकाम्य, अगली सिद्धि, प्राकाम्य माने क्या, परकाया प्रवेश कर सकते थे वो, सामने वाले के मन में क्या है जानना, विचार क्या है, भावना क्या है, सब कुछ जानना, सब चीजों के बारे में एक रूप होना, एक रूप होना माने प्राकाम्य, सब चीजों के बारे में जानता हूँ, इसके मन में उसके मन में क्या है। एक बार गुरुदेव से मिलना था मुझे, मिल नहीं पाया, मैं भीड़ थी, मैं जा नहीं पाया, थोड़ी देर के बाद गुरुदेव ने बुला लिया और यही प्राकाम्य के बारे में बताया एक श्लोक में। गुरुदेव बोले, बंध कारण शैथिल्य तत्प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीर वेशा, कि जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हम एक रूप है, उसके मन में जाकर उसके मन में क्या विचार है, क्या भावनाएं हैं, ये हम जान सकते हैं, यही प्राकाम्य है। तो ये भी सिद्धि वश थी उनको प्राकाम्य। ईशिता, ईशित्व, हर चीज पे प्रभुत्व है उनका, है दास पर स्वामी है वो, कई कलाओं से युक्त है वो, सभी विद्या उनको वश है, तो वशित्व भी है उनको, आखिरी दो, ईशित्व और वशित्व, हर चीज को वश कर सकते हैं हनुमान जी, रावण से भी महापराक्रमी थे। तो ये अष्ट सिद्धि जिनके पास है वो हनुमान। जय बजरंगबली बोलते हैं, जय हनुमान बोलते, बल आता है कि नहीं अंदर, और बुद्धि भी स्थिर होता है, बल आता है तभी तो बुद्धि स्थिर होती है, अबला व्यक्ति का बुद्धि स्थिर नहीं हो सकता, युक्ति का प्रभाव नहीं, अभाव रहता है उनके जीवन में। सबको हनुमान चालीसा वो कहते हैं, आप वडवानल स्तोत्र सुनना, इतना पावरफुल है वडवानल स्तोत्र। आप कोई एक मन में इच्छा रखो या कोई एक भय को याद करो, वो 5 दिन 7 दिन 11 दिन सुनो, मन से वो भय चला जाएगा आपके। और वो लिखा किसने, विभीषण। विभीषण जब आए थे श्री राम के पास, तब सुग्रीव के मन में संशय आया, वहां से यहाँ दिखा तो रहे हैं पर ये स्पाय बन के तो नहीं आए, दूध बन के आए ऐसे लग रहा है, पर स्पाय तो नहीं, यहाँ की खबर वहां तो नहीं जाएगी सब, ये मन में किसके आया, सुग्रीव के, क्योंकि सुग्रीव भी श्री राम को लेकर चिंतित थे, प्रभु थे उनके, वो मित्र थे। तब विभीषण को रखने का प्रस्ताव और जो इंसिस्ट किया वो हनुमान, उन्होंने श्री राम से जाके वार्तालाप के उनको समझाया कि इनको रखो,
वहाँ के कई सारी चीजें हमको ज्ञात होगी उससे, और वैसा ही हुआ ना। विभीषण ने कई सारे सीक्रेट्स बताए, श्री राम को पता नहीं था, ऐसा नहीं है, लेट मी क्लियर दिस। पर कई सारे ऐसे पता चला कि इससे मालूम पड़ा सत्य के पक्ष में रहना है। भाई हो रावण जैसा तो उसका साथ नहीं देना गलत कार्य में, सत्य के पक्ष में खड़ा रहना माने विभीषण। और ऐसे व्यक्ति को प्रभु आप रखो हमारे साथ, ये बोलने वाले हनुमान है। भगवानों के अलावा यदि हनुमान का गुणगान किसी ने किया है तो वो विभीषण है, इसलिए उन्होंने वो वड़वानल स्तोत्र लिखा हनुमान जी पर। ऐसे बोलते हैं शास्त्र में लिखा है, चार शक्तियां है जो कलयुग में धर्म का रक्षण करता है। और धर्म माने आप इसको बांटना नहीं, ये आजकल जो बांटते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और कुछ 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 वो सब, धर्म माने मनुष्य धर्म, प्राणी धर्म, ब्रह्मांड का धर्म जो है, वसुंधरा का जो धर्म है, उसका रक्षण करने के लिए चार शक्तियों में एक हनुमान है। कौन है वो चार जिससे धर्म की स्थापना होती है कलयुग में? दुर्गा देवी, फिर कृष्ण भगवान, फिर हनुमान जी। देखो उनमें एक हनुमान जी है, और चौथे भैरव साक्षात शिव। तो ये चार शक्तियां है जो चलाती है, बल देने वाले लोग है हमको। वो सिर्फ शनिवार को शनि महाराज के डर से हनुमान को मिलना, इतना ही हनुमान है हमारे जीवन में। अरे भय के लिए भगवान के पास मत जाओ, एक को निपटाने के लिए दूसरे का सहारा, ये तो बिजनेस हो गया। वैसे वार मंगलवार है हनुमान जी का, पर शनि महाराज से डर के मारे हनुमान जी, हनुमान जी, अरे इसको क्या मतलब है भाई। भय से भक्ति नहीं होती, भक्ति वहाँ श्रद्धा, भय वहाँ अंधश्रद्धा, इतना ध्यान में रखना। और युक्ति, युक्ति देखो, जब अहिरावण को मारने गए वो, उनको पता चला ना कि कामाक्षी देवी के उपासक थे, उनको बलि देने के लिए राम लक्ष्मण को सम्मोहन में डाला और लेके गए पाताल में अहिरावण, तो उधर हनुमान जी गए, उनको मकर ध्वज मिले, दोनों में युद्ध हुआ, हनुमान जी जीते। और जीतने पर उन्माद नहीं है, उन्होंने वो व्यक्ति का, द्वारपाल का स्तुति किया, अरे तुम कौन हो, कौन से पराक्रमी पिता माँ के तुम संतान हो जो इतने महाबली पराक्रमी हो, जीतने के बाद भी ये पूछ रहे हारने वाले को। वो हनुमान, उन्माद नहीं है उधर, ईगो नहीं है। तब मकरध्वज बोलते हैं, मैं हनुमान जी का बेटा हूँ, तो तू तो मेरा है। फिर मकरध्वज के मदद से गए वो, अहिरावण इतने मायावी थे, पाताल ना अंदर क्या है पता नहीं है, उनकी क्षमता, उनके छल कपट पता नहीं किसी को, अहिरावण का। रावण तो ऊपर का बात है, अहिरावण तो अंदर की बात है। बोलते ना कई बार इसका अंदर क्या है मालूम नहीं पड़ता, अहिरावण है वो। अहिरावण ने जबरदस्ती नाग कन्या को वश कर लिया था, पत्नी बना के रखा था हनुमान जी। युक्ति देखो, उनको पता चला ये जबरदस्ती पत्नी बना के उनके पास गए, टेल मी द सीक्रेट्स, हाउ कैन आई डिस्ट्रॉय हिम। डायरेक्ट वॉर नहीं है, जरूरत पड़ी तो रिट्रीट है, जरूरत पड़ी तो बैकडोर एंट्री है, जरूरत पड़ी तो सामने बलात् युद्ध भी है। तो वो उनकी पत्नी के पास गए और सीक्रेट मांगा उनसे। वो बोलते हैं यहाँ कई सारे भ्रमर है, वो भ्रमर ना जब भी अहिरावण और उनकी सेना मरती है, भ्रमर आके वो अमृत के बूंद उनके मुंह में डालते हैं, तब वो जीवित होते हैं फिर से। मायावी है ये, दुष्ट वृत्ति मरती नहीं है, शत्रु बुद्धि मरती नहीं, इसलिए बोलते हैं ना, अग्निशेषम ऋणशेषम शत्रुशेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्य शेषम न कारयेत। अग्नि का छोटा अब ये छोड़ दो स्पुलिंग, उसका अग्नि बनने में बड़ा समय नहीं लगता, फैल जाता है तुरंत। अग्निशेषम ऋणशेषम, ऋण माने लोन, कैसे बढ़ते जाता है, लोग दबते जाते हैं उसके अंदर। शेषम न कारयेत, उसको बाकी मत रखो। अग्निशेषम ऋणशेषम शत्रुशेषम तथैव च, शत्रु बुद्धि भी, ऐसे लोग, वो भ्रमर क्या एक कल्पना है, एक प्रतीक है कि ये शत्रु बुद्धि मरती नहीं है, बुरे विचार मरते नहीं है, वो आते रहते हैं इनमें बार बार, क्योंकि श्री राम पर केंद्रित नहीं है ये, प्रकाश की ओर बुद्धि नहीं है उनकी, अंधकार में पाताल में पड़े, इसलिए पाताल माने हर चीज बुरी नहीं है वहाँ पर, ऐसे है। तो वो क्या करते हैं, भ्रमर को मारने से पहले वो अहिरावण की पत्नी श्री राम का गुणगान सुन के वो एक शर्त रखती है, मैं एक शर्त पे बताऊंगी कि आप कैसे मार सकते हो उनको, वो भ्रमर का सीक्रेट बताने से पहले, कि जब आप अहिरावण को श्रीराम मारेंगे मुझे उनकी पत्नी बना दो। ऐसे गुणगान, ऐसे स्तुति, ऐसे व्यक्ति को हम छोड़ना नहीं चाहते। अभी हनुमान जी युक्ति वाले हैं, संभ्रमित भी नहीं हुए उधर, युक्ति लगाए क्या कर सकते, उन्होंने कहा कर लेंगे पर मेरी भी एक शर्त है, शर्त पे शर्त, निगोशिएशन स्किल्स, दैट्स हाउ हनुमान इज। तो बोलते एक शर्त पे कि आप और वो पति पत्नी बनेंगे, कर देंगे विवाह, पर एक शर्त है, आप दोनों जब पलंग पर बैठोगे तो वो पलंग यदि टूटे नहीं तो अच्छा शगुन है, आप उनकी पत्नी करके हम मान लेंगे, श्री राम मान लेंगे ये बात। हनुमान जी है वो प्लान करके बैठे हैं। तो जैसे ही भ्रमर को मारते, आखिरी भ्रमरों के राजा को पकड़ते और बोलते तुझे मारूंगा, समष्टि से नष्ट हो जाओगे, बोलो क्या चाहिए, बोल जीवदान दो। तो बोलते एक शर्त पे जीवदान, शर्त निगोशिएशन, एक शर्त पे जीवन दान दूंगा, अहिरावण का जो पलंग है उसके लकड़े में घुस के पूरा अंदर से खोखला कर देना उसको, जॉब इज डन। तो अहिरावण को मार गिरा कर श्री राम को
जब सम्मोहन निकल जाता है तो श्री राम को विनंती करते, प्रभु आपके तरफ से मैंने वचन दिया है, एवरीथिंग इज सेट, प्लीज यू गो एंड सिट। ये भी रामलीला है। राम पे किसी का सम्मोहन हो सकता है क्या? अरे अगला जन्म में जो मोहन बन के आए उसके ऊपर क्या सम्मोहन बनेगा? तो श्री राम बैठते हैं, जैसे ही बैठते हैं वो पलंग टूट जाता है, और फिर आपने छल किया मुझसे। तो श्री राम उनको वरदान देते हैं कि ये जन्म में आप मेरी पत्नी नहीं बने, अगले जन्म में मैं जब श्री कृष्ण बन के आऊँगा आप सत्य मावा बन जाना। तो ये संबंधों में निगोशिएशन स्किल्स, अपने वचन को रखना, ये सब सिद्धांत, कर्म सिद्धांत को स्थापित करने के लिए ये स्टोरीज होते हैं। तो ये सब बुद्धि लगाए, ये युक्ति लगाए, ये हनुमान। आजकल लोगों को बोलो ये काम करे, ये हमारा होता नहीं है, इसमें ये तकलीफ है, वो ये चाले, अरे सो पर तुम एक ही चीज़ पे रोते रहते हो। जरा नज़र उठा के हनुमान जी को देखो, जिसको पूछते हैं उसके गुण आते हैं अंदर। घर में फोटो क्यों लगाते हैं, मूर्ति क्यों रखते हैं? उसको देख देख के वो गुण आ गए अंदर, हुप आ गए हनुमान जी अंदर, सब परेशानियाँ गड़बड़ हुप करके खड़े हो जाओ एक गरिमा बन के, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। हनुमान जी ने कभी ये कंप्लेन नहीं करते बैठे, और राम की आज्ञा मानी, गए वहाँ, सीता माँ को मिलके भी आए, देखो ना अभी आया हूँ ले जाने को भी नहीं बोल रहे, ऐसे करके कंप्लेन करते नहीं बैठे वहाँ पर। जो भी स्वामी का आज्ञा है वो पूरा किया उन्होंने, और खुद का एजेंडा नहीं है लाइफ में। हनुमान जी के कहाँ ज़्यादा भजन सुनाई देते हैं आपको, देते हैं क्या? जिसको खुद का परिचय नहीं देना है किसी को, जिसको औरों को अपना गुणगान गाने के इंटरेस्टेड नहीं है, वो उसमें रुचि नहीं रखते, वो हनुमान। मैं यहाँ हूँ तो राम का नाम लो भाई। इसलिए अब हनुमान जी को देखोगे, हर इवन चित्रकार भी चित्र निकालता है ना, तो उसके कॉन्शियसनेस में भी हनुमान जी घुस चुके हैं, क्योंकि वो हनुमान चित्र सभी का उस तरफ होता है, हनुमान जी का इस तरफ होता है, राम जी की तरफ देखता हुआ। राम नहीं हुआ मेरा काम नहीं, ये भक्ति है, ये भक्ति होना चाहिए हम सब में। यदि हनुमान जी को हम पूछते तो अपने गुरु के प्रति ये भक्ति रखना है हमको, जहाँ राम है वहाँ देखना है मुझे। क्यों बोला हनुमान जी ने ऐसे छाती फाड़ के दिखाया ना, सही में फाड़ा होगा क्या? कण कण में दिखा, उनके हर कृत्य में दिखा कि उनको ये एक्चुअली करने का भी जरूरत नहीं पड़ा होगा। इतने लाखों साल हो गए, आज भी वो हनुमान जी का नाम लेके वो बल आता है अंदर, तृप्ति आती है, भय निकल जाता है, श्रद्धा आ जाती है। वो चिरंजीव है, मतलब क्या वो ये उपस्थित है वहाँ, देख के आँख में पानी आए, मन में श्रद्धा, अरे हनुमान है जीवित इधर अभी भी, और वो रहेंगे हमेशा। कोई अहिरावण आए, महिरावण आए, जो भी करे, क्या है नहीं हमारे पुराणों में एक एक कैरेक्टर देखे, ये फर्स्ट सुपर हीरो ऑफ दिस प्लैनेट, ऑन दिस प्लैनेट फर्स्ट सुपर हीरो, वो पंचमुखी हनुमान जी का इधर ही हुआ था। वो अहिरावण को मारते वक्त वो पांच दीप बुझाने थे उनको, तो पांच मुख बना लिए उन्होंने, पांच दिए बुझाने पर अहिरावण को मार दिया। फिर पांच मुख क्या है, वराह, नरसिंह, गरुड़, फिर एक पूर्व की ओर खुद हनुमान जी है, हयग्रीव। तो कौन है वो पांच, पांच मुख क्या है, हयग्रीव, हय मने घोड़ा, ग्रीव मने गला, घोड़े का सर, हयग्रीव, हयग्रीव, गरुड़, वैनतेय, गरुड़ माने, तीसरा वराह, चौथा नरसिंह अवतार, और पांचवा हनुमान खुद पूर्व की ओर देखते हैं। पांच मुखी वो है, वो शक्ति, भक्ति, मुक्ति, मुक्त है, देखो मुक्त है वो भगवान, उसको कोई बंधन नहीं, कुछ नहीं है, जीवन में दुख नहीं है, कुछ नहीं है वो। दुख माने दू माने गलत, ख माने इंद्रिय, गलत जगह लगी हुई माने दुख, सुख माने सही जगह लगी हुई इंद्रिय माने सुख, जो राम पर केंद्रित है वो सुखी है, मुक्त है वो भगवान, दास होते हुए भी मुक्त है वो, भक्त है ना उसको ये सब प्राप्त हो जाता है। भक्त के ही आँख में कृतज्ञता का पानी आ सकता है, भगवान को भी ऐश्वर्य नहीं है ये, भक्त को ही संभव है वो। तो डर के मारे नहीं जाना हनुमान के पास, हनुमान जी के शरण में आओ, माने क्या, भक्ति में आओ, भक्ति में। उन्होंने सर फाड़ के दिखाया नहीं है कि राम है उधर, हृदय में राम है, तो हृदय में गुरु को रखना, बुद्धि अपने आप ठीक होती है उससे, ओके। और ये ऐसा भगवान है, ऐसा दास है कि उनको बुलाओ, वो बोलते हैं ना कि जो मेरे शरण में आता है मैं तुरंत प्राप्त हो जाता हूँ उसको, हनुमान जी विलंब नहीं करते, तुरंत प्राप्ति है वहाँ पर उनकी, पर आसानी से उनको पाना है ना तो श्री राम को भजना होगा, जहाँ राम वहाँ हनुमान। इसलिए तो मांगा है उन्होंने कि जब जब उनका नाम आता रहेगा मैं शरीर भाव में उपस्थित हूँ यहाँ। जब जब हम गुरुदेव की बात कर रहे हैं, हम कौन है, हनुमान, अभी एक्चुअल नहीं, प्रेम की गदा उठा के चलो, ठीक है, महाबली विक्रम बजरंगी, अरे एक एक ऐसे लाइन सुन के जोश आता है पूरा अंदर, ऐसे कोई गला हुआ व्यक्ति भी ऐसे महिमा में आ जाए तुरंत, होता है कि नहीं होता है?